प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन रा कर्नाटक दौरा में थे। बाघ परियोजना रा 50 वर्ष पूरा होबारे मौके रखा गया कार्यक्रम में की शिरकत। कयो भारतीय परंपरा पर्यावरण बचावारो देवे है संदेश। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था ने बनाया जावेला मजबूत। कास्तकारों ने दियो जावेला अनुदान। राज्य सरकार 463 करोड़ रुपया प्रस्ताव ने दीनी मंजूरी। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश सरकार माथे साधु निशाणो। कयो प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हो गई है चौपट। जयपुर में चाल रो राष्ट्रीय सेवा भारती रो सेवा संगम आज आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प रे साथ हुयो पूरो। सेवा भारती कानिसु वंचित पीड़ित उपेक्षित और अभावग्रस्त लोगों का उत्थान खातर करया जा रहा है काम। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे फेरु सक्रिय होबासु मौसम में आयो बदलाव। कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ सेती कई जिला में जारी रहो आंधी बिरखारो दौर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन रा कर्नाटक दौरा माथे है। आज प्रधानमंत्री मैसूरु पुग्या और बाघ परियोजना रा 50 बरस पूरा होबारे मौके राख्या गया कार्यक्रम में शिरकत केनी। इण मौके वणा कयो के भारतीय परंपरा पर्यावरण ने बचावरो संदेश देवे है। अठे वणा एक स्मारक सिक्को भी जारी कीनो। इण से पहले प्रधानमंत्री आज सुवारे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और तलब है कि पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की गई है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि ये पहल बहुत लाभकारी होगी। अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावी मूल्यांकन के पांचवें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बाघों की संख्या की भी घोषणा की। पीएम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या अब 3,167 हो गई है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स,
इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. दिस इज व्हाई इट हैज मेनी यूनिक अचीवमेंट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया. पीएम मोदी ने संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत भी की. पीएम मोदी ने अवैध शिकार रोधी केंद्र का भी निरीक्षण किया. पीएम मोदी ने वन्य जीवन को करीब से देखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपा कडू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया. प्रधानमंत्री ने एलिफेंट कैंप के महावतों से बातचीत भी की. इस अवसर पर पीएम मोदी ने ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की प्रेरणा बने जोड़े बोमन और बेली से भी मुलाकात की. पीएम मोदी ने उनके हाथी को भी देखा. बाद में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया. ऑस्कर मिला है वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है. मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है. प्रदेश रा कास्तकारा ने सहायता पुगाबा खातर राज्य सरकार लगत मार जतन कर रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था ने और मजबूत बनाबा खातर डिग्गी पोंड और सिंचाई पाइपलाइन जड़ा काम खातर करीब 463 करोड़ रुपया रा मसौदा ने मंजूरी देनी है. आवता दो बरस में पोंड बनाबा खातर 30,000 कास्तकारा ने फायदो पुगाबा रा लक्ष्य ने बढ़ार अब 50,000 कर दियो गयो है. इन माथे 261.75 करोड़ रुपया रो खर्चो वहला. भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और अपराधियों रा हौसला बुलंद है. आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय माथे खबर नवीसा सु बतलाता थका वणा प्रदेश में वणा कहो कि प्रदेश में रोजाना 109 महिलाओं रे साथ अपहरण दुष्कर्म और हत्या की घटना हो रही है. वणा कहो कि बाड़मेर में दलित महिला रे साथ दुष्कर्म रे पाछे उन्ने तेजाब डालर जलाबारो हादसो सरकार री नाकामी ने दर्शावे है. वणा इन हादसा माथे प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से संवेदनहीन बतायो. और पीट रहे थे इतने लंबे समय से कि हम तुरंत एफआईआर कर देते हैं. यहां देखा कि कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति है तो तुरंत रोको इसको दबाओ इस केस को दबाओ. 24 घंटे तक केस को दबाने की कोशिश करी गई. इतने संवेदनशील केस के अंदर भी 2 दिन तक एफएसएल की टीम वहां पे नहीं पहुंची. फॉरेंसिक साइंस की टीम वहां तक नहीं पहुंची. पीड़ित को रेफर नहीं करा गया. सबूत इकट्ठे नहीं करे गए. ये तो जनता का मीडिया का दबाव था. उसके बाद जाकर ये केस आगे बढ़ा. व्यक्ति गिरफ्तार हो गया लेकिन आगे अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट अगर सही नहीं होगी तो वो झूठ भी सकता है. ये मुख्यमंत्री जी जब बार बार इस तरह की बातें करते हैं पुलिस की इंक्वायरी से पहले मनोवैज्ञानिक बनकर ये बोल देते हैं कि आधे से ज्यादा केस तो पीड़ित के परिवार वाले ही शामिल होते हैं तो पुलिस के भी हाथ ढीले हो जाते हैं. उनको एक तरह से इशारा मिल जाता है और कहते हैं कि आधे केस झूठे हैं. यानी आधे झूठे हैं आधे पीड़ित के परिवार वाले करते हैं तो ये तो बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए. तो बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी सारी समस्याएं हल कर देते हैं. पुलिस को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 2018 के अंदर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म हो तो उसके लिए सजाए मौत तक एक्ट पास करा. मृत्युदंड का प्रावधान रखा. लेकिन राजस्थान में देखिए 2019 से लेकर 2022 तक 93% केसेस बढ़े हैं. बढ़ोतरी हुई है. सामूहिक दुष्कर्म की इसी साल 1337 केसेस हैं. 1337 केसेस और 7090 से ऊपर इसी वर्ष के मामले हैं रेप के. 18 वर्ष से अधिक में तो 163% बढ़ोतरी हुई है.
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जयपुर का निशु गांव गांव चलो घर घर चलो कार्यक्रम के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह रखो गयो। भाजपा ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर रा जिला अध्यक्ष चेतन कुमावत मुताबिक जलसामय ओबीसी वर्गरी 103 प्रतिभावां रोमान करो गयो है। इन मौके ओबीसी मोर्चा रा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना मोदी सरकार री जनकल्याणकारी योजनावां री तारीफ करता थका प्रदेश सरकार री नाकामियां गिणवाई। कि देश के अंदर राजस्थान वीरों की धरती माना जाता है, देश के अंदर राजस्थान मीराबाई भक्ति की नगरी माना जाता है, देश के अंदर राजस्थान पद्माबाई पन्नादाई पद्मावती की धरती माना जाता है, त्याग महाराणा प्रताप की धरती माना जाता है, त्याग बलिदान शौर्य पराक्रम साहस इसकी धरती माने जाने वाले राजस्थान का आज क्या हालात है? पूरे देश में बलात्कार की दृष्टि से राजस्थान एक नंबर वन, महिला अत्याचार की दृष्टि से एक नंबर वन, चौपट कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक नंबर वन, भ्रष्टाचार की दृष्टि से नंबर वन, पेपर लीक बच्चों के भविष्य को खराब करने की दृष्टि से नंबर वन, जो राजस्थान मीरा पन्नादाई पद्मावती के नाम से जाना जाता था, उसी राजस्थान की हमारी बहन बेटियां ना बाजार में सुरक्षित ना मोहल्लों में सुरक्षित। जयपुर स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रो पांचवो दीक्षांत जलसो 10 अप्रैल ने राख्यो जावेला। इन खातर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुलपति प्रोफेसर रामसेवक दुबे बतायो कि कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राख्या जावा वाला दीक्षांत जलसा में 16 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक दिया जावेला। इनके अलावा विद्यावारिधि उपाधि से दूसरी उपाधियां भी दी जावेला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। काल प्रदेश में 137 नवा मरीज मिलबारे साथ ही सक्रिय मरीजों की तादाद बढ़कर 500 के करीब हो गई है। काल प्रदेश में सबसे बत्ता 46 मरीज जयपुर में मिला। इनके अलावा जोधपुर में 17, उदयपुर और अजमेर में 15-15, अलवर में 11, झालावाड़ में 9, सिरोही में 7, बीकानेर में 5 और चूरू में 4 सक्रिय रोगी मिले हैं। जयपुर रकन स्थित बगरू आपरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग खातर आखी दुनिया में प्रसिद्ध है। अठेरा प्राकृतिक रंगारे साथे हास्तु छपाई करी जावे है, जिनसु राज्य सरकार रा राजस्व में भी आमद होवे है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के निकट छोटा सा कस्बा बगरू अपनी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। छीपा समुदाय सैकड़ों वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अभाव और शिल्पकारों की घटती संख्या के कारण कला की यह विरासत लुप्त होती जा रही है। ऐसे में इस कला को संरक्षित करने के लिए विशेष योग्य जन सूरज नारायण तीतान वाला ने बगरू में अपनी जमा पूंजी और संसाधनों से संग्रहालय की स्थापना की। आने वाली पीढ़ियों को इस कला की जानकारी देने के लिए म्यूजियम में उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां और छपाई में काम आने वाली लकड़ी के परंपरागत डिजाइनदार ब्लॉक भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस कला को जीवित रखने के लिए जो मैं पुश्तैनी काम मेरे पिताजी करते आ रहे हैं उसको मैंने मेरे पिताजी के साथ करना शुरू किया और पूरा सीख लिया। सीखने के बाद ये क्या है कि धीरे धीरे क्राफ्टमैन कारीगर रॉ मटेरियल की समस्या दिन भर दिन ज़्यादा होती रही है, तो दूसरी जगह जाता हूँ तो कहते हैं कि इस कला को इस काम को बंद मत करो। हस्तशिल्पी सूरज नारायण ने बताया कि इस संग्रहालय की स्थापना में जापानी महिला सिरोको यावाताता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस जापानी उद्यमी महिला के संपर्क में आने से तीतन वाला परिवार को विदेशों में भी अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिला और कई नामी प्रसिद्ध कंपनियों से जुड़ने का मौका मिला।
मेरे खुद के खर्चे पर मैंने मेरी बिल्डिंग बनाई। बनाने के बाद जो मेरे पास चीज़ें थी उसको यहाँ इकट्ठा करके और जो भी फोटो है पिक्चर कुछ भी थी उसको मैंने रखा, रख करके भाई आगे के ज़माने में ऐसा काम कोई नहीं करेगा। और ये कला, ये म्यूजियम होगी तो मैं दिखाने के लिए नए प्रिंटरों को, नए काम करने वालों को और नए जो PhD की डिग्री लेते हैं, परीक्षा करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अपनी योग्यता ग्रहण करते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल में दिखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं बनाऊं तो इस वो आकर के देखेंगे, देखने के उनको ये मालूम पड़ेगा कि पुराने ज़माने में ऐसा काम भी होता था, ये सोच करके मैंने मेरा म्यूजियम बनाया है। विशेष योग्यजन सूरज नारायण की विरासत संरक्षण की यह पहल दर्शाती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो किसी भी लक्ष्य को असंभव से संभव बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंजू मीना, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर में चल रहे राष्ट्रीय सेवा भारती रो सेवा संगम आज आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प रा साथे पूरो हुयो। राष्ट्रीय सेवा भारती रा मुख्य वक्ता विनोद बिरला और सेवा भारती री ट्रस्टी अमिता जैन खबर नवी सासू बतलाता थका संगम में साझा करी गई सफलता री कहानियां बाबत बतायो। वणा कहो कि राष्ट्रीय सेवा भारती रा नुमाइंदा और स्वयंसेवक लाडला 25 बरसासू छोटा छोटा गांव में वंचित लोगों खातर स्वास्थ्य शिक्षा और वणा रा उत्थान खातर काम कर रहा है। में हुआ था जिसमें 1000 प्रतिनिधि थे, प्रथम आयोजन था। दूसरा आयोजन दिल्ली में 2015 में हुआ जिसमें 2000 प्रतिनिधि थे और ये तीसरा आयोजन चूंकि 2020 में होना था पर कोरोना महामारी के कारण से इसको 2 वर्ष आगे बढ़ाया गया और 2023 में आज ये संपन्न हो रहा है जिसमें 2756 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। संगम का उद्देश्य वास्तव में एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लेना, पूरे देश में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है यह बताना, दूसरों के जो काम चल रहे हैं उन कामों से कुछ से सीख लेना और अनुभवों के आधार पर अपने क्षेत्र में नए काम की योजना करना। पीड़ित, वंचित, अभावग्रस्त, दुखी, इस तरह के जो समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है उस वर्ग के हित में कैसे काम कर सकते हैं, उनके कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, इनका आदान प्रदान के लिए इस तरह के सेवा संगम का आयोजन किया जाता है। नहीं, अभावग्रस्त, पीड़ित, वंचित परिवारों की किशोरियों को, जो कि एक समाज का बहुत बड़ा तबका है, उनकी किशोरियों को भी किस प्रकार से सर्वसमर्थ बनाया जाए, क्योंकि वही भविष्य की वो पीढ़ी को गढ़ने वाली, आगे बनने वाली हैं, भविष्य की माताएं हैं, तो वो अगर समर्थ होंगी तभी आगे भी एक सशक्त समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। तो हम उनको केंद्र में बुलाते हैं प्रतिदिन या साप्ताहिक और उनको विभिन्न विषयों पर जागरण होता है, प्रशिक्षण होता है, कुछ कौशलों का भी प्रशिक्षण किया जाता है, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उनमें संस्कृति की जानकारी और उनमें प्रेरणा जगाने का काम किया जाता है। जयपुर में रखा गया राष्ट्रीय सेवा भारती रा सेवा संगम में आखा देश सु आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प रा साथे सफलता री कहानी लेर कई स्वावलंबी महिलाओं भी आई है। सेवा भारती भोपाल री महिला सहयोगिता आभा पांडे बतायो कि महिलाओं ने कमती शुल्क में प्रशिक्षण देर सेवा भारती रा शिविर में काम करवा खातर प्रशिक्षण दियो जावे है। मानी प्रशिक्षण रे पाछे ये महिलाओं आत्मनिर्भर बनी रहे है। संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हमारा कार्य ही है कि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, अशिक्षित हैं, उनके बीच में काम करके उन्हें स्वावलंबी बनाकर जीवन की मुख्य धारा से हम जोड़ सकें। इस समय हम 3000 बच्चियों के सतत संपर्क में रहते हैं, हर सप्ताह उनसे मुलाकात होती है, वो सेवा भारती के केंद्र में आती हैं और ऐसे ही जो स्वावलंबन केंद्र हमने प्रारंभ किया है वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग, टाइपिंग, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर, इस प्रकार के 3 कोर्स हम चला रहे हैं। आज तक जो उद्योग वर्धिनी के इतिहास में जो है
तो 17,000 बहनें अपने आप में खड़ी हुई हैं। तो 17,000 बहनों को हमने स्वावलंबी किया है, 17,000 परिवारों को स्वावलंबन हो गया है। और ये प्रयास सफल रहा कि कम राशि तो 50 रुपए से हमने शुरू किया हुआ व्यवसाय आज की तारीख में लाखों का टर्नओवर कर रहा है। श्री कृष्ण परिणामी मंदिर स्थापना दिवस रे मौके आज थैलीसीमिया सु पीड़ित टाबरा खातर रक्तदान शिविर राख्यो गयो। कार्यक्रम रा आयोजक अनिल परिणामी बतायो के शिविर माए 100 यूनिट सु बत्ता रक्त एकत्रित करयो गयो। शिविर रो मकसद थैलीसीमिया सु टाबरा ने रक्त मुहैया करवानो है। हम प्रतिवर्ष श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में थैलीसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान करते हैं। ये कार्यक्रम हमारी संस्था श्री प्रणामी पंचायत द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जिन बच्चों को ब्लड नहीं बनता, कम से कम इतनी तो मानवता के नाते हम सेवा कर सकें कि उनको थोड़ा बहुत रक्त उपलब्ध करा सके। लगभग 100 यूनिट प्रतिवर्ष हमारा टारगेट है और हो जाता है, तो इसलिए ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए हर 3 महीने में कम से कम। ये रक्तदान शिविर समाज की सभी संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि जयपुर शहर में अकेले 700 थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे हैं, जिनको हर महीने 1400 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जो अकेले अभिभावकों द्वारा संभव नहीं है। इस तरह से अन्य संस्थाओं के सहयोग द्वारा ही इनकी पूर्ति होती है और ब्लड बैंकों में ब्लड उपलब्ध हो पाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चा पैदा न हो, इसलिए शादी से पहले अपना थैलेसीमिया की जांच अवश्य कराएं, और थैलेसीमिया माइनर से शादी ना करें तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा समाज में नहीं आएगा और यह बीमारी यहीं पर रोकी जा सकती है। बेमौसम रे बिरखा और ओला पड़वा सु चूरू जिला रा तारानगर सरदार शहर और सादुलपुर रा काश्तकारारी चना गेहूं और सरसों री फसल ने घणो नुकसान हुयो है। मानी खेता में खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। काश्तकार बतायो कि खराब हुई फसल रा सर्वेक्षण खातर हाले भी कोई अधिकारी अठे नहीं पू गया है। बरसात एवं ओलावृष्टि से हमारी फसलें एकदम से चौपट हो गई है। हमारे सरसों गेहूं और चना बुरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हालात ये है कि अब हम क्या करें क्या ना करें, हम गरीब लोग इसी के सहारे हमारा घर परिवार चलता है। बरसात ओलावृष्टि के चलते हमने जो फसल के लिए लोन लिया था अब वो भी चुकाना बहुत ही दूभर हो रहा है। 10 बीघा जमीन 12 की मैंने 50-60 हजार रुपया लगा दिया, जिसके मैंने 15 हजार रुपया सोच रखे है कि 15 हजार रुपया जीना बिक जाएगा, मतलब बह भी बिका को 5 हजार है किला कुंटल के गए ले काटो भी कटे तो देख लियो नुकसान धरा गए। ओलावृष्टि और आंधी और तूफान से पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है और खराब हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि की वजह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसके लिए राम ही रखवाला है, और पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिसके लिए कह नहीं सकते कि हम कितने गहराई में खाड़े में चले गए, एक तरह से खाड़े में चले गए ये मान के चलो आप, क्योंकि सरकार भी इसकी ओर ध्यान कम दे रही है। बारिश हुई तब तक तो इतना नुकसान नहीं हो पाया, उसके बाद जो तूफान आया और ओलावृष्टि हुई उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मतलब कटी हुई फसल का भी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हुयो है, जिनसु मौसम में बदलाव आयो है। प्रदेश रा कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ सेती कई जिला में आंधी बिरखारो दौर चालो और कई ठोरा माथे ओला भी पड़िया। मौसम महकमा मुताबिक आज घणकरी ठोरा माथे बादला मंडे रहेला, आवता कुछ दिन ताई कोई नवो तंत्र सक्रिय नहीं होवेला, जिणसु पश्चिमी इलाका में पारो 45 डिग्री ताई पूगबारो अंदेशो है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन रा कर्नाटक दौरा में थे। बाघ परियोजना रा 50 बरस पूरा होबारे मौके रखे गया कार्यक्रम में कीने शिरकत, कयो भारतीय परंपरा पर्यावरण बचावारो देव है संदेश। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था ने बनाए जावेला मजबूत, काश्तकारा ने दियो जावेला अनुदान,
राज्य सरकार 463 करोड़ रुपया का प्रस्ताव ने देनी मंजूरी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रदेश सरकार माथे साध्यो निशानो, कयो प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हो गई है चौपट। जयपुर में चल रो राष्ट्रीय सेवा भारती रो सेवा संगम आज आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर भारत रा संकल्प रे साथे हुए पूरो। सेवा भारती कानिसु वंचित पीड़ित उपेक्षित और अभावग्रस्त लोगों का उत्थान खातर करो जा रो है काम। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे फेरू सक्रिय होबासु मौसम में आयो बदलाव। कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ सेती कई जिला में जारी रो आंधी बिरखारो दौर। और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।